सो है गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का ब्लॉग बहुत अजीब सा होने वाला है। कुछ भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, बस मैं थोड़ा सा बात एक इन्फॉर्म करना चाहता था कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं लेक सीरीज़ का जो ब्लॉग पहले लेके आया था उसका जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और उसका जो लेक का वर्कआउट था वो पूरा पूरा फॉर्मेट हो गया, डेटा पूरा डिलीट हो गया। तो इससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं लेग पुश पुल सीरीज को कंटिन्यू कर नहीं कर सका क्योंकि लेग का वर्कआउट मैं नहीं ऐड कर पाया। क्योंकि मैं नहीं ऐड कर पाया तो मैं ट्राई करूँगा इसी हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर देने का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, क्या बोलूँ, इतने मुश्किल से क्लिप्स मिलते हैं और उसके बाद भी ऐसे डिलीट। फिलहाल के लिए आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो हमारा बैक का वर्कआउट होने वाला है, पुल वर्कआउट। जिम में चलते हैं, 7:05 हुए हैं, चलते हैं, लेट्स गो। बेसिकली मुझे पता चला है कि अभी मैं जा रहा था तो दीदी ने बोला चलो एक साथ चलते हैं क्योंकि जीजा जी आ रहे हैं मेरे। अभी क्या उनको मेन रोड से पिक करना होगा, वहाँ से दीदी और जीजा जी निकल जाएंगे कई काम पे। चलते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। तो पुटते ही पर एमनीते होलीर मास रंगीन रंगीन कर दो। बेसिकली पहुंच चुके हैं हम अभी, उसके बाद जिम जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर जाओ, दिखाएंगे दिखाएंगे जिम का क्लिप दिखाएंगे, होल्ड करो। बेसिकली अभी हम चल आ चुके हैं, वहाँ पे उन लोगों को छोड़ के, और अभी सीधे रिक्शा पकड़ के जिम चलेंगे। देखते अभी क्या मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं, लेट्स गो। तो यार अभी टाइम है जाने में, तब तक आप कुछ फास्ट मोशन शॉट्स देख लीजिए, अच्छा लगेगा।
तो बेसिकली मैं जिम से आ चुका हूँ। आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी उसके बाद अभी यहाँ पे बैठ रहा हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लाइक पेड़ है, अच्छा लगता है मुझे। और अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ ना कि मेरा जो लेग सीरीज़ का मतलब पुश पुल लेग का जो डेटा था पूरा गया है भाई, पूरा उड़ गया है। बहुत ख़राब लग रहा है मुझे, लाइक अपने इसलिए वेट अ सेकंड। सो मैं वापस आ गया हूँ और अभी जो बात है मैं जो बताने वाला हूँ कि यार मेरा जो लेग पुश पुल सीरीज का जो डेटा था सब कुछ उड़ गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अब मुझे फिर से ये शूट करना पड़ेगा, फिर से आपको प्रॉपरली दो पार्ट दिखाने पड़ेंगे, तो एक हफ्ता लगेगा मुझे। यही बताना था। और एक और बात यार, मैंने कुछ ख़राब सुना यार, लाइक एक बंदा जो अपने आपको मस्क्यूलर और स्टेरॉयड दिखाने के लिए उसने अपने आप को स्टेरॉयड मतलब अपने स्टेरॉयड लिया तो ठीक है, इतना पावरफुल एनाबॉलिक्स लिया कि उसका उस जिस दिन लिया उसने, उसके अगले दिन ही वो डेड हो गया। रात को सोने के बाद अब उठा ही नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों से, मेरे दोस्त या भाई ये जो भी हैं, मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, कि यार स्टेरॉयड मत लो, पहले खुद की फिजिक को इम्प्रूव करो। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको चाहिए होता है, आपको नहीं चाहिए। आप अगर एथलीट बनना चाहते हो तो पहले आप खुद की फिजिक तो बनाओ, फिर स्टेरॉयड दिखो, खुद का मसल गेन तो करो। हर टाइम पे अगर आप कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढोगे तो आपका शरीर वो नहीं ले पाएगा। बहुत बुरी चीज़ होती है एनाबॉलिक्स, बहुत बुरी चीज़ होती है स्टेरॉयड्स। एक हाई लेवल एक अच्छा एथलीट भी ना बहुत लो डोजेज का एनाबॉलिक्स लेता है या फिर स्टेरॉयड लेता है। तो मुझे ये सुन के यार बहुत ख़राब लगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लाइक एक बंदा खुद को सुंदर दिखाने के लिए। यार एब्स तुम्हें विजिबल, तुम खुद के डाइट पे फोकस करो, तुम्हें ऐसे ही एब्स मिल जाएंगे। तुम ऑब्लिक्स अच्छे दिखाने, तुम और अच्छा डाइट करो। यार मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा और आप सबको मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि ऐसे काम मत किया करो यार, बहुत बुरी चीज़ होती है ये, स्टेरॉयड लेना बंद कर दो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेरॉयड से यार बॉडी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अगर आपको डायरेक्ट डेड भी नहीं होता, मर भी नहीं जाते, तो आपके स्किन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इतने सारे रैशेज आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हर एक जो हाई लेवल बॉडी बिल्डर होते हैं जो स्टेरॉयड यूज़ करते हैं वो भी बाद में वॉश आउट कराते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। स्टेरॉयड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले गेन करो, उसके बाद डाइट भी फोकस करो, ऑब्वियस आप लीन हो जाओगे, ऑब्वियसली आपको एब्स दिखेंगे। अब पेपर थिन स्किन क्वालिटी की आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सही बात है ना। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये बात जो स्टेरॉयड लेने के इतने गलत फ़ायदे होते हैं, इतनी बुरी चीज़ होती है, तो ये इस बात को जानने के बाद आप अपने दोस्तों को ये ज़रूर ज़रूर शेयर करें, वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों से, और हर जगह पे शेयर कर दो ताकि सबको पता चले कि स्टेरॉयड कितनी बुरी चीज़ होती है। एक फाइनल बात कि अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हम बहुत ऊपर तक जा सकेंगे और आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट दिला सकेंगे। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हमको। अभी के लिए गुड बाय, और मैं ज़रूर से ज़रूर लेग पुश पुल सीरीज को कंप्लीट करूँगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।